इंटरनेशनल राइटर मिस्टर दिलीप डे के सबसे मशहूर किताब मिस्टर मर्डर, आप सबने तो इसे पढ़ाई होगा। यस सर। सर एक बड़ी अजीब बात, इस किताब में जिस खूनी की कहानी है उसका नाम मिस्टर मर्डर है, और जिस खूनी को हम तलाश कर रहे हैं वो भी हर खून करने के बाद मिस्टर मर्डर के नाम का कार्ड वहां छोड़ जाता है। जो ही कोई अमीर आदमी किसी का खून करता है या किसी और से करवाता है, मिस्टर मर्डर का कार्ड वहां पहुंच जाता है। मर्डर टैक्स की इतनी रकम तैयार रखो वरना खत्म कर दिए जाओगे। किताब के राइटर मिस्टर दिलीप डे इस बारे में क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे, वो तो बेचारे खुद परेशान है। कोई भी गैंगस्टर उनकी किताब पढ़ सकता है और उसके मुताबिक अमल कर सकता है। टेक द फोन। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। मैं आपको मिस्टर मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर मर्डर? यस यस, डोंट वरी मैडम। लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो सर, एक लड़की है मिस्टर मर्डर के गैंग की, कहती है विजय का जेल में कैदी नंबर 15 दरअसल मिस्टर मर्डर है। क्या कहा? जिसके लिए सारे हिंदुस्तान की पुलिस परेशान, वो हमारी विजयगढ़ जेल में एक मामूली कैदी। लेट्स मूव। क्या हुआ? सर एक कैदी भाग गया है। कौन सा कैदी? नंबर 15। व्हाट? इसका मतलब इंफॉर्मेशन सही थी। यस सर। इंस्पेक्टर। यस सर। किसी भी कीमत पर कैदी जाने न पाए, यहाँ की सारी पुलिस फोर्स लगा दो। राइट सर। कम ऑन। Drinking for the health of Mr. Murder. Good stuff. माफ कीजिएगा सेठ साहब, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, मैं 3 महीने लेट हो गया। कोई बात नहीं, देर तो दरअसल आपकी तरफ से हुई। मैंने तो आपका मर्डर टैक्स अलग निकाल के उसी दिन रख दिया था जिस दिन आपकी तरफ से मुझे कार्ड मिला। मैं आपकी अमानत अभी आपके हवाले कर देता हूँ। मैंने अपने पार्टनर का खून किया जिससे मुझे करोड़ों का फायदा हुआ, अब उसमें से 5 लाख रुपया मर्डर टैक्स तो आपको मिलना ही चाहिए। अरे भाई, टैक्स तो गवर्नमेंट भी देती है। ये लीजिए। मिस्टर मर्डर, तुमने मुझे मार दिया। मारा नहीं, सजा दी है।